बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 9 माह के बच्चे की कमीज़ बनाने लगी हूँ। तो इसकी चौड़ाई जो है कपड़े की वो 12.5 इंच है और लेंथ जो तैयार मैंने रखनी है वो 17 इंच रखनी है। तो उस हिसाब से मैंने एक साइड की 18.5 इंच रखी है और इसको मैंने ये फ़ोल्ड किया हुआ है। आपने देखा है फ़ोल्ड करते हुए, पहले लंबाई के रुख डबल फोल्ड किया था और फिर उसको डबल कर लिया। अभी इसको कंधे से तिरछा काटा है और ये बैक साइड का मैं गला काटने लगी हूँ। इसकी विथ 1.2 इंच है और लंबाई भी 1.2 इंच। इसको गुलाई में लेके इस तरह काट लीजिए। अभी आप बैक साइड को 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे, जितना कंधा है उसी पे, क्योंकि ये 1 इंच फ्रंट साइड पे ओवरलैप करना है। इस कुर्ते में तीरा नहीं लगेगा क्योंकि ये छोटे से बच्चे का है। ये देखिए, ये इतने को आपने ओवरलैप करना है। इसको थोड़ा सा और तिरछा कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ओवरलैप आपने 1.25 इंच इसके ऊपर करना है और ये तीरा मैंने 4.5 इंच रखा है और बाजू मैंने तैयार जो है वो 5 इंच रखना है, यानी कि टोटल 5.5 इंच काटूंगी। तो इस हिसाब से माप के ये 5.5 इंच जहाँ पे आया वहाँ निशान लगाया है। इसकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ, ये 4.5 इंच है। अब इसको गुलाई करके कंधे को काट लें और फ्रंट के कंधे को थोड़ा सा डीप कर लें, और ज़्यादा डीप नहीं करना क्योंकि ये बॉयज़ कुर्ता है। अब यहाँ नीचे 7 इंच पे कट लगाना है जहाँ से चाक शुरू होगा और ऊपर थोड़ी सी आप शेप बना लें कुर्ते की। ये देखिए, ये 7 इंच है। अब फ्रंट और बैक दोनों को अलहदा कर दें। अब आपने फ्रंट का गला काटना है। ये 2.75 इंच गुलाई में हमें चाहिए और 2.25 इंच ये इसकी लेंथ है और इसको गुलाई किया है तो ये 2.75 इंच हो गया है। याद रहे कि इन दोनों गलों की, फ्रंट और बैक के गले की विड्थ जो है वो 1.2 इंच है। अभी ये देखें, ये काज वाली पट्टी है और इसको मैंने कट वाली काटा हुआ है, कट बैंड जो होता है ना उसके लिए पट्टी को काटा हुआ है, उसमें कट दिया है। और ये 7.5 इंच जो है ना वो लंबी है और बटन टेक जो है वो 6 इंच लंबी है। तो बटन टेक के हिसाब से 6 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे एक स्लिट काटना है जहाँ पे पट्टियाँ लगेंगी। ये देखिए, ये निशान तक, और यहाँ से थोड़ा सा बटन टेक वाले हिस्से की तरफ कट लगा लें। ये देखिए, अभी बाजू काट रहे हैं। ये दोनों बाजू हैं और इनकी लाइनें जो हैं वो मैंने दूसरी साइड से ली हैं। ये देखिए, बाजू 5.5 इंच चौड़ा काटना है और इसकी तैयार लेंथ जो है वो 9 इंच रखनी है। तो यहाँ से कंधा मैं इसका कट करके तो 9 इंच के हिसाब से रख के सिलाई का मार्जिन भी, बाकी को मैं नीचे फोल्ड करूँगी क्योंकि उसमें चेपी लगा के तो फिर उसका कफ बनाना है। ये देखिए, ये 9.5 से 1.5 पॉइंट ऊपर है। अभी इसके अंदर चेपी लगेगी। ये देखिए, चेपी वहाँ पे लगानी है ताकि ऊपर वाली साइड पे सही नज़र आए। जितना नीचे फोल्ड करना है उस कपड़े पे चेपी नहीं लगानी, फोल्डिंग वाला कपड़ा आपने सादा रखना है। ये देखिए, इसको बाद में फिर ऊपर फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है।
और ये तिरछा कपड़ा लेके, ये देखिए इस पे काज वाली जो पट्टी है वो चिपकानी है, ताकि काज वाली पट्टी की लाइनें जो है वो तिरछी नज़र आए। ये देखिए ये बटन टेक है, और जो इसका कट मैंने रखा हुआ है वहाँ पे कट लगा के, ये देखिए उतना ही कट लगाना है और बड़ी एहतियात से लगाना है। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर इसको ऐसे फोल्ड करके, ये देखिए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें और फिर इसको डबल फोल्ड कर लें। और अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है, सिलाई बड़ी एहतियात से किनारे पे लगानी है। अब ये काज वाली पट्टी है, इसको भी ऐसे ही करना है, कट वाली जगह पे यहाँ पे कट लगा लेना है, और इसको नीचे की तरफ से सिलाई लगाते हुए लेके आना है। ऊपर वाला हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लें। अभी इसको कमीज़ के साथ अटैच करूँगी, ये बटन टेक है। इसमें कोशिश करें कि 2-3 पॉइंट कपड़ा जो है वो आप इसके अंदर रखें, सिलाई में तक 3 पॉइंट तो लाजमी रखें। अब काज वाली पट्टी को अटैच कर रहे हैं, इसके अंदर भी कम से कम 3 पॉइंट कपड़ा रखें। अब यहाँ नीचे से फालतू कपड़ा काट रहे हैं, जहाँ पे कट लगा हुआ है वहाँ से, ये देखें कट तक पूरी पट्टी रखनी है, कट के बाद जो है ना वो आपने नीचे से फालतू कपड़ा काट देना है, ताकि पट्टी जो है वो कमीज़ के ऊपर आ जाए आसानी से। अब यहाँ से दोनों पट्टियों को बराबर करके सिलाई को इस तरफ लेके आना है, और ये आप का ठोका बन गया। अब यहाँ से इसको नीचे की तरफ से बाहर निकालना है, ये देखिए ऊपर वाली पट्टी को हटा के तो नीचे की तरफ से बाहर निकालना है। ये गले की पट्टी तैयार हो गई है, अब फ्रंट को बैक से जोड़ना है कंधों से, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये जो बैक साइड जो है वो 1 इंच बड़ी रखी है तो उसका क्या मकसद है। ये सारे एक्स्ट्रा धागे मैं काट रही हूँ। अब इसको सीधा करके तो सिलाई वाला जो मार्जिन है उसको बैक की तरफ करके इसके ऊपर एक
टॉप स्टिच लगाना है बिल्कुल किनारे पे, ये देखिए। अब इसको फोल्ड करें और बैक साइड से गले का जो एक्स्ट्रा मार्जिन बचा है उसको कट कर लें, ये देखिए। अभी यहाँ आप गले के किनारे पे भी एक सिलाई लगा लें ताकि बैन लगाते हुए ये कपड़े में लचक ना आए। इसको 11 इंच का बैन लगाना है। गले की जितनी मेजरमेंट मैंने आपको बताई है आप उतनी ही काटिए, ये देखिए ये इतना आपका तैयार हो गया। अभी आप इस पे बाजू अटैच करके और बाकी की सिलाई कंप्लीट करेंगे। अभी ये एक बाजू को फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहली जो सिलाई है किनारे की वो आप सीधी तरफ से लगाएं ताकि चेपी जो है वो नीट आए। अभी आप बैक साइड से इसको फोल्ड करें। यहाँ से इतना फोल्ड करना है कि चेपी नज़र ना आए। अब यहाँ सीधी साइड पे किनारे के साथ एक पैर की एक और सिलाई लगा लें। ये देखिए ये कफ तैयार हो गया। ये कफ से आप अपनी फिटिंग जो है वो अपनी पसंद से रख सकते हैं। ये कमीज जो है ये कंप्लीट हो गई है, यानी कि बॉयज कुर्ता 9 माह के बच्चे का, ये देखिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।